मुंबई के कोलाबा इलाके में एक शख्स ने 3 साल की बच्ची को 7वीं मंजिल से नीचे फेंक दिया। बच्ची आरोपी के दोस्त की बेटी थी। 3 साल की मासूम की हत्या के पीछे आरोपी का मकसद था काले साए और जिंदगी की परेशानियों से मुक्ति पाना। काले जादू के जाल में फंसा शख्स, 3 साल की मासूम की ली जान, 7वीं मंजिल से नीचे फेंक कर की हत्या। मुंबई के रिहायशी कोलाबा इलाके में एक दिल दहला देने वाली वारदात हुई है, जहां पर एक आरोपी ने एक 3 साल की मासूम बच्ची को इमारत के 7वें मंजिल से नीचे फेंक दिया। मुंबई के कोलाबा इलाके में अशोका नाम की ये वही इमारत है जिसकी 7वीं मंजिल से 3 साल की मासूम बच्ची को नीचे फेंक कर मौत के घाट उतार दिया गया। हैरानी की बात ये कि जिस शख्स ने इस बच्ची की हत्या की वो कोई गैर नहीं था। आरोपी और मृतक बच्ची के पिता बचपन के दोस्त हैं। खुद के घर पे उनको लेके गया, उनके साथ उनके आया भी थी, लेकिन जब आया दूसरे बच्चे को खेल रही थी उसके साथ में, तब एक बच्ची को लेके बेडरूम में लेके चला गया। वहाँ का उसका दरवाज़ा लॉक करके इमीडिएट उसने खिड़की से 7th फ्लोर से नीचे फेंक दिया। बच्ची को तुरंत हॉस्पिटल लेके जाने के बाद मालूम पड़ा कि वो डेड है। उसका इरादा 2 बच्चों को मारने का था, लेकिन वो आया होने के कारण एक बच्ची को भी मार सका। बच्ची की हत्या करने के बाद आरोपी ने खुद को कमरे में बंद कर लिया और पुलिस को अपनी हैवानियत की जानकारी दी। शुरुआती पूछताछ में आरोपी ने जो कुछ बताया उससे पूरा मामला काले जादू और अंधविश्वास का नजर आता है। पुलिस की माने तो आरोपी को मोरक्को में एक महिला ने कहा था कि अगर इसे संतान और धन की प्राप्ति चाहिए तो इसे किसी जुड़वा बच्चे की बलि देनी होगी। आरोपी मोरक्को में काम करता था, 6 महीने पहले मुंबई वापस लौट कर आया था। मोरक्को में आरोपी काले जादू के जाल में फंस गया। वहीं पर उसकी साथी महिला ने उससे कहा कि अगर उसे अपनी दिक्कतों को दूर करना है तो बच्चों की बलि देनी होगी। आरोपी ने काले साए से बचने के लिए जुड़वा बच्चों की बलि देने का प्लान बनाया। आरोपी अपनी डायरी में लिखता था, किल ट्विंस टू सेव योर लाइफ। आरोपी ने अपने दोस्त की जुड़वा बच्चियों को खत्म करने का पूरा प्लान बना लिया था, पर बच्चियों की आया की वजह से हत्या सिर्फ एक की ही कर पाया। अब पुलिस आरोपी को हिरासत में लेकर पूरे मामले की जांच में जुटी है। पंकज मिश्रा, न्यूज़ नेशन, मुंबई।